हाई एवरी वन दिस इज़ विरोनिका आज का एक नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट एनिकोलॉजी से ये टॉपिक आपका रिलेटेड है न्यू सब्स्पीशीज ऑफ सिक्स लाइन बटरफ्लाई अब देखिए इंडिया में अगर आप देखेंगे बटरफ्लाई के स्पीशीज़ में इंक्रीज़ होता रहता है इंक्रीज़ एज एन डिस्कवरी होती रहती है लास्ट जुलाई में भी दो ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज़ को खोजा गया था अक्टूबर में फिर अभी ये कौन सी नई बटरफ्लाई है ये मैं आपको बताऊंगी इस तरह की वीडियोज़ को देखना भी बहुत अच्छा लगता है बहुत रिलैक्सिंग लगता है तो चलिए अभी हम ये टॉपिक जो ये नई बटरफ्लाई है इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या नाम है इसका कहाँ पर खोजी गई है उससे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया पर कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस फेसबुक इंस्टा टेलीग्राम uh, कहीं पे भी पी आपको लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहीं पे अपलोड किया जाएगा वहीं मिलेगा तो डिस्कशन शुरू करते हैं इस टॉपिक पे देखिए ये जो स्पीशीज़ है बटरफ्लाई की ये पहली ऐसी स्पीशीज़ है जिसको ऑल इंडिया रिसर्च टीम ने ढूंढा है यानी जो इसके रिसर्च टीम के मेम्बर्स थे वो सबके सब इंडियंस सब थे और ये कहाँ पर पाई गई है वेस्टर्न घाट्स में ये जो नई स्पीशीज़ है जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन टीम है सभी अभी देखिए पहले भी जो हमने बटरफ्लाइज की स्पीशीज़ डिस्कवर होती थी तो वो मिक्स टीम रहती थी जैसे कई बार ब्रिटिशर्स की टीम रहती थी उसमें जो नेटिव लोग हैं नेटिव रिसर्चर्स की हेल्प ली जाती थी जापानीज रिसर्चर्स रहते थे और वो कोलाबोरेट करते थे हमारे नेटिव रिसर्चर्स से लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो डिस्कवरी है ये पूरी की पूरी इस टीम में ऑल इंडियन रिसर्चर्स थे अब देखिए ये जो स्पीशीज़ है इसको फाइनली जो इंडिया की एक्सपैंडिंग बटरफ्लाईज़ की लिस्ट है उसमें ऐड कर दिया गया है ये जो पिक्चर्स हैं ये औरिजिनल नई बटरफ्लाई के मैंने इसमें ऐड किए हैं अब देखिए ये जो नई सब स्पीशीज है बेसिकली स्पीशीज़ नहीं है सब स्पीशीज़ है किसकी सिक्स लाइन ब्लू बटरफ्लाई की सिक्स लाइन ब्लू बटरफ्लाई जिसका नाम यहाँ पे रखा गया है नाका दुबा सिन्हाला रामास्वामी तो इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा इंटरेस्टिंग नेम भी है इसका काफ़ी क्योंकि अगर प्रलम्स में पूछा जाएगा कि कौन सी नई बटरफ्लाई है या बहुत सारी बटरफ्लाई के नाम दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताओ ये कौन सा एनिमल है कौन सा इंसेक्ट है जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये बटरफ्लाई है इसको साउथ वेस्टर्न घाट्स में डिस्कवर किया गया है और डेफिनेटली इंडिया का जो फाउना है उसमें यहाँ पे एडअप हुआ है वेस्टर्न घाट्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला में और ये जो डिस्कवरी है इसको जर्नल में पब्लिश किया गया है कोई भी डिस्कवरी होती है साइंस में हमेशा उनको जर्नल्स में जो है रिपोर्ट किया जाता है ताकि सबको वर्ल्ड में ग्लोबली पता चले तो इसको किस जर्नल में पब्लिश किया गया थ्रेटेंड टैक्सा इन मार्च 2021 मार्च 2021 में इस पर्टिकुलर जर्नल में इसको पब्लिश किया गया अब इस बटरफ्लाई का जो स्पीशीज है इसका नाम देखिए किस पे रखा गया है आफ्टर लॉर्ड रामा जो राम भगवान है उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है क्योंकि यहाँ पे एक कनेक्शन दिखाता है एकस दी टू श्रीलंका श्रीलंका की तरफ हमारा जो क्योंकि बताऊँगी श्रीलंका क्यों क्योंकि इससे मिलती जुलती जो स्पीशी थी एक पहले वो श्रीलंका में यूजली पाए जाती हैं ये वाली बटरफ्लाईज तो ये जो कनेक्शन दिखाने के लिए यहाँ पर लॉर्ड रामा को सिग्नीफाई किया गया उस पर यह नाम रखा गया है लेकिन एक बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है जैसे चार रिसर्चर्स की जो टीम थी उनमें से एक रिसर्चर का नाम भी रामा स्वामी था और इन ये बटरफ्लाई वॉचेज़ हैं ये सब और जिन्होंने जिस टीम ने इसको खोजा है बाकी का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ देखिए कलेश सदा, आ, सदा सिवान बायजू और उसके बाद ये ट्रैवन कोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटी से बिलोंग करते हैं फिर राहुल खोट फ्रॉम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री आ, हिस्ट्री सोसाइटी वी एन एच एस और एस रामासामी जिनका मैं बोल रही हूँ हो रहा है आ, राइट तो ये रिसर्चर्स की टीम थी अब ये लाइक बटरफ्लाई जो है इसका जीनस क्या है नाका ये आप याद रख सकते हैं कॉमन नेम और इसका वर्नाक्यूलर नेम भी यहाँ पे दे रखा है जब आप इसको याद रख सकते हैं पहली बात यूपीएससी के हिसाब से इन्वायमेंट इकोलॉजी में अगर कहीं पे आए कि किस तरह का नया फ्लोरा फाउना डिस्कवर हो रहा है वहाँ पे ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं फिल्मस के हिसाब से और इन्वायमेंट इकोलॉजी में अगर हमारे रिसर्चर्स क्या काम कर रहे हैं उस पर आप यहाँ पे एक लाइन जो है वो डाल सकते हैं बाकी ये इन्फॉर्मेशन आगे डिटेल में भी जो मैं बताऊँगी जो भी लोग इन्वामेंटलिस्ट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहली बार इसको फोटोग्राफ किया गया था ये जो बटरफ्लाई है स्पेशली 2011 में डॉक्टर कलेश के द्वारा और लेटर अगर आप देखेंगे 2015 2018 में तमिलनाडु में भी और काफ़ी लंबा समय लग गया बेसिकली इस बटरफ्लाई को बाकी बटरफ्लाई से डिफरेंशियट करने में बाकी जो स्पीशीज़ हैं उससे डिफ्रेंशियट करने में क्योंकि बहुत ही स्मॉल ग्रुप है और ऑलमोस्ट सब एक जैसे दिखते हैं तो इसको अनोटमिकली देखा जाएगा डायसेक्ट करके देखा जाएगा क्या ये सेम स्पीशीज़ है या अलग बटरफ्लाई है राइट तो डेफिनेटली यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि अभी ये कंफर्म हुआ है कि ये डिफरेंट बटरफ्लाई है क्योंकि इसको किस तरह से रिसर्च की गई मैं आपको बताऊँगी क्योंकि जैसे टीम ने क्या क्या इन्वेस्टिगेट किया कि ये जो पर्टिकुलर बटरफ्लाई है किस प्लांट पे फीड करती है तो उसके लीव्स को देखा गया जैसे टाइमोकार्पस uh, लॉन्गन जो लीव्स हैं इसके उसको देखा गया जो होस्ट प्लांट प्लांट है जिस पे बटरफ्लाई ग्रो करती है फ्रॉम ऑल द स्टेजेस एग टू एडल्ट डेवलप होती है फिर इसके जो लार्वा है जो यंग स्टेज पे लार्वा रहता है उसको रेयर किया गया डोमेस्टिकेट किया गया यानी उसको पाला गया प्रॉपरली और उसके एडल्ट एडल्टुड में जो जो चेंजेस आई उनको नोट किया गया डाइसेक्ट किया गया उसके जेनेटल ऑर्गन्स जो मेल के हैं उनको ध्यान से देखा गया जिसमें ये पता चला कि देवर अनलाइक एनी नोन अब ये जीनस है जीनस क्या है नाकाडुबा और नाकाडूबा जीनस में बहुत सारी बटरफ्लाइज आती हैं तो इसका जीनस भी नाकाडुबा है बट ये डिफरेंट है तो देखा गया आज तक नाकाडुबा में कोई भी ऐसा बटरफ्लाई नहीं देखी गई थी या देखा गया था जो जिसके जेनेटल ऑर्गन्स इससे मिलते हैं तो डायसेक्शन के बाद रिसर्चर्स को ये चीज़ जो है वो पता लगी नाउ ये किससे मिलती जुलती है जो ये बटरफ्लाई है किससे मिलती जुलती है इसका श्रीलंका के साथ क्या कनेक्शन है जैसे मैंने आपको बताया लॉर्ड रामा के नाम पे इसका नाम रखा गया तो देवर फाउंड मैचिंग श्रीलंकन स्पीशीज़ श्रीलंका में एक स्पीशीज़ है नाका डूबा सिन्हालामिस्टॉन तो ये आर्मिस्टोन है ठीक है उससे काफ़ी मिलती जुलती है लेकिन स्टिल जो इनके जेनिटल ऑर्गन्स हैं मेल बटरफ्लाई के स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंट है तो पहली बार अब इसको कंफर्म किया गया कि ये जो बटरफ्लाई है वेस्टर्न घाट्स और इंडिया के लैंड में पाई जाती है अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे ये जो लाइन ब्लूज़ बटरफ्लाई हैं ये इंडिया से श्रीलंका में पाई जाती हैं साउथ ईस्ट एशिया ऑस्ट्रेलिया समोवा इन रीजन्स में बहुत बटरफ्लाइज़ इस जीनस की पाई जाती हैं और इसके हेरी आइज़ होती हैं आईज़ के पास अगर आप देखेंगे छोटे छोटे हेयर्स होंगे एनास्टोमोसिस ऑफ वेन इलेवन एंड ट्वेल्व एनास्टमोसिस क्या होता है कनेक्शन कभी आपने अगर देखे हों तो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से उसके फोर विंग्स पे हमको ये वेंस बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखते हैं तो ये कुछ फीचर्स हैं जो इसको डिफरेंट बनाते हैं बाकी की बटरफ्लाइज से और पर्पल -पर ग्लॉस इसकी अपर साइड पे थोड़ा सा पर्पल कलर का ग्लॉस रहता है ये कुछ डिफरेंट करने वाली चीज़ें हैं जिनसे पता लगता है कि ये अलग बटरफ्लाई है अब ये टर्म देखिएगा लेपिडोटेरिस्ट्स लेपिडो टेरिस्ट्स ने और भी बटरफ्लाईज़ को डिफरेंट ये देखिए लास्ट स्लाइड तक जो हमने डिस्कस किया ये जो नई बटरफ्लाई है नई स्पीशीज़ है उसके बारे में हमने पढ़ा लेकिन ऑलमोस्ट जुलाई में कुछ और बटरफ्लाईज़ के बारे में भी पता चला था जैसे दो स्पीशीज उस टाइम पे पता चली थी स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक एल्यूसिव प्रिंट्स ये अरुणाचल में पाई गई थी अरुणाचल प्रदेश की खासियत ये है कि बहुत ही रिच है बायोडाइवर्सिटी में अब ये जो टर्म यूज़ हुई है लेपिडोटेरिस्ट्स लेपिडोटेरिस्टि लेपिडोटेरोलॉजी एक ब्रांच है एंटमोलॉजी की जहाँ पे मॉथ्स और जो सुपर फैमिलीज़ हैं तीन स्पेशली बटरफ्लाइज़ की उनके बारे में पढ़ा जाता है जो कोई भी जो अ, लेपिडो टेरो, टेरोलॉजी के बारे में पढ़ता है उसको हम लेपिडो अ, लेपिडो टेरिस्ट कहते हैं ओके या ऑरेलियन कहा जाता है उसको जो इसके बारे में पढ़ता है तो ये दो बटरफ्लाईज़ के बारे में जो जुलाई में ऑलमोस्ट डिस्कवर हुई थी उनके बारे में देखिए रोहाना टॉन किनियाना तो देखिए ये जो नेम्स होते हैं इनके काफ़ी मुश्किल होते हैं कैसे भी आप इनको प्रनाउंस कर सकते हैं तो इंडिया में सिर्फ मेल स्पेसिमेंट जो है ल्यूसिफ प्रिंस का वो मिला है तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा बट जस्ट टू रिवाइज़ कि ये सब नाम जो हैं ये बटरफ्लाइज के हैं इसको पहली बार टोंग किन वेतना में डिस्कवर किया गया था उसके बाद में बटरफ्लाई के बारे में देखिए बटरफ्लाई क्या है ये इंसेक्ट्स हैं किस कैटेगरी में आते हैं इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं ऑर्डर अगर आप इनका देखेंगे तो लेपिडोटेरा इनका ऑर्डर रहता है फाइलम देखेंगे तो आर्थ्रोपोडा है अब ये बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको ज़्यादा इजीली समझ सकते हैं लेकिन नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि नॉर्मल जो कीड़े मकोड़े वाला ग्रुप होता है उसमें बटरफ्लाई को इंक्लूड किया जाता है और इस फाइलम को जब हम ग्रुप्स बायोलॉजी में बनाते हैं इस फाइलम को हम आर्थ्रोपोडा बोलते हैं तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं कि इस फाइलम का क्या नाम है आर्थ्रोपोडा जिसमें मॉथ्स भी आते हैं एडल्ट बटरफ्लाइज़ जो हैं हमेशा अगर आपने इनको देखा होगा लार्ज रहती हैं साइज़ में ब्राइट कलर्ड होती हैं और बटरफ्लाई इको के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनका सिग्निफिकेंस क्या है जहाँ पर भी बटरफ्लाइज होती हैं दैट मीन्स उस एरिया में बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है ओके इंडिकेटर स्पीशीज़ इनको कहा जाता है इंडिकेटर क्यों क्योंकि इको की हेल्थ के बारे में बताती हैं अगर कुछ चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन में होगा इनकी क्वालिटी में इनकी पॉपुलेशन में हमको फ़र्क दिखना पड़ेगा दिखने लगेगा तो हम समझेंगे कि इस एरिया में कुछ गड़बड़ चल रही है और बटरफ्लाइज जो हैं वो पॉलीनेटर भी हैं पॉलीनेशन में हेल्प करती हैं सेवरल स्पीशीज़ जो प्लांट्स की हैं उनमें जो पॉलिनेशन है वो बटरफ्लाइज uh, uh, के थ्रू होती है दैट इज़ वाई दे आर इंडिकेटर स्पीशीज़ एंड वेरी सिग्निफिकेंट फॉर आर इन्वायर एंड इको तो यही तो आज का डिस्कशन नई बटरफ्लाई के बारे में हमने पढ़ा और लास्ट जो दो बटरफ्लाई है उनके बारे में भी जनरली पढ़ा क्योंकि वहाँ पे मैं आपको ये टर्म्स कुछ बताना चाहती थी तो आई होप ये क्लियर है आपको प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और अगर आप हमारा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं हमारा अपलिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी थैंक यू सो मच